इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं, औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का, फिर उसके बाद तानाशाह का, क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है, और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है, हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। और तो मैं तो कहता हूँ, लोग जी मुझे कभी पूछते मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे अभी याद तो नहीं है जी, लेकिन उस कविता का भाव ये था जी कि मुझे जो पत्थर फेंकते हैं, मैं उन्हीं पत्थरों से पक्षी बना देता हूँ और मैं उसी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। और दूसरा मैं कहता हूं, ये जितनी गंद उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। एक सवाल आखिरी ये है कि माताओं बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है। कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे, उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। मेहरबानी करके जी, इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है, इसको राजनीति के तरफ से मत तोड़िए, एक भावात्मक विषय है, और मैं मानता हूँ कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए, स्त्री शक्ति को एम्पावर करना चाहिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं एक बड़ी श्रद्धा से, एक पूजा भाव से काम कर रहा हूँ, कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए, और मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूँ, इस देनों की बहनों की सेवा करूँ, इस देश की बेटियों की सेवा करूँ। यूथ वोटर को, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको आपका मैसेज क्या होगा प्रधानमंत्री मोदी? मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, मुझे तो देश के युवा का मैसेज चाहिए, मैं देश के युवाओं की इच्छा आकांक्षा के अनुसार चलना चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर क्यों वोट करें? मैं फर्स्ट टाइम वोटर की इच्छा अनुसार देश बनाना चाहता हूँ। हमने अभी जो 2047 का विजन बनाया, करीब 35 लाख नौजवानों से मैंने फीडबैक लिया है, और मैं अभी 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है जी, मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं 125 दिन का बनाऊँ, और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवाओं को पूछने वाला हूँ, ये 25 दिन के लिए उनके क्या सुझाव है, कौन से काम मैं पहले करूँ, तो मैं इस प्रकार से देश के युवकों को उनकी आशा आकांक्षा के अनुसार देश चला। जेन जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है नरेंद्र मोदी का, कोई बेस्ट फ्रेंड है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर? मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? ऐसा है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से दिल की ही बात करता हूँ जी, मैं तो जीता हूँ दिल के संबंधों से जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमें समय दिया, और आप 100 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं, इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी।